हेलो दोस्तों, अगर आप योनो SBI ऐप्स यूज करते हैं तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में रुपया यानी मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पे पूछता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। अगर आप ये जानते हैं तभी आप इंटर करके और आप दूसरे के अकाउंट में रुपया यानी कि मनी भेज सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत परेशानी की बात है, आप नहीं भेज पाइएगा दूसरे के बैंक अकाउंट में मनी। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, तो आप जो है अपने योनो SBI ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड योनो SBI ऐप्स का कैसे आप निकाल सकते हैं यानी कि दोबारा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, योनो SBI ऐप्स को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अगर आपका MPIN जो है सेट है तो उससे आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपको यूजर नेम और यूजर आईडी, आपको यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो आप इससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर योनो SBI ऐप्स का अगर आप यूजर नेम भी भूल चुके हैं तो उसके लिए हम वीडियो बनाए हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पासवर्ड भी आप भूल चुके हैं इसका तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपना MPIN से लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों हम लॉगिन कर चुके हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है थ्री लाइन का जो आपको निशान दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा योनो पे पे, तो इस पर चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा पे ए न्यू बेनिफिशियल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड पूछा जा रहा है अगर आप किसी के दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों घबराइए मत, हम अभी के लिए ये वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल पासवर्ड बनाने का, तो एक तो है आप सिक्योरिटी क्वेश्चन से, आप अगर आपको प्रोफाइल बनाते समय कौन सा आप क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे उसका कौन सा आंसर आप दिए थे उससे आप बना सकते हैं और यहाँ पे आंसर देगा। और अगर ये याद नहीं है तो सिंपल सा बात है, अगर आपके पास ATM नंबर है तो ATM में जो अंक होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ATM पिन जो 4 अंक का होता है वो आप देख के यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो यहाँ पे ATM कार्ड नंबर जो है हम अपना दे देते हैं। तो दोस्तों देखिए हम अपना ATM कार्ड नंबर दे दिए, और जो आपका गुप्त पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे मित्रों क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पे इंटर योर न्यू प्रोफाइल पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो नीचे में भी आपको जो आप ऊपर में दिए हैं वही आपको नीचे में देना है 2 बार, ठीक है। तो आपको कैसा बनाना है प्रोफाइल पासवर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 to 20, मतलब आप जो है 8 से 20 तक करेक्टर जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे है अल्फ़ाबेट, तो आप जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट
भी दे सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी दे सकते हैं अपना पासवर्ड बनाते समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे आप कोई अंक भी दे सकते हैं, 0 से 9 तक आप जो भी अंक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम आपको हेल्प कर दें इस तरह का, आप पासवर्ड अगर बनाते हैं तो आपको इसमें इंटर करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर आप कोई %, कोई भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आपका नाम है सोनू, सोनू के आगे स्पेशल करेक्टर या स्मॉल या कैपिटल में आप सोनू लिख सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको जो है अपना पासवर्ड तैयार कर लेना, तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए मित्रों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखेगा। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा OTP के तौर पर आपके मोबाइल में, जो आप बैंक अकाउंट खुलवाते समय जो है दिए थे। तो 4 इंटर यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे OTP देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप OTP को दे देते हैं तो यहाँ पे आपको OTP को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप OTP को सबमिट करते हैं तो आपको देखिए प्रोफाइल पासवर्ड चेंज, मतलब आपका बन गया है प्रोफाइल पासवर्ड, आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।